दोस्तों, जेके आईटी मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले हमने राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान। और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न वाला रहेगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें 15 क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब संविधान लिखना शुरू हुआ था तब एक प्रारूप समिति गठित हुई थी। इस समिति ने संविधान के लिखने के सारे प्रस्तावों का निर्णय किया था और इस समिति के सामने संविधान में एक प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना का मतलब है कि पूरा जितना भी संविधान है उसका सार संविधान में होगा। तो इस प्रस्तावना का प्रस्ताव यानी कि संविधान में एक प्रस्तावना रखी जाए, ये बात किसने कही प्रारूप समिति को? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति को ये प्रस्ताव दिया कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, उस प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार होना चाहिए। ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर है राज्य सूची के विषयों पर। आपको पता होगा कि तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत वे कार्य आते हैं या वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार कार्य करती है, यानी कि जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं वे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची यानी वे सभी विषय जिन पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो राज्य सूची, राष्ट्रपति राज्य सूची पर कानून या नहीं बना सकता और अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में कार्य करता है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है और ये लोकसभा अध्यक्ष उसे नियंत्रित करता है। और अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था किस वाद में की। तो हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी बदल नहीं सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की है, ये फैसला दिया है, और ये किस वाद में दिया है। तो हमारे संविधान का मूल ढांचा है मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार हमारी
संविधान का मूल ढांचा है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि इन मूल अधिकारों को हमारी संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो बदल नहीं सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला केशवानंद भारती वाद में दिया था। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मौलिक अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कभी बदल नहीं सकते। नेक्स्ट और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है। तो आपको पता ही होगा कि राजनीतिक जितने भी दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान होती है निर्वाचन आयोग द्वारा, और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हमारे देश के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो आपको ये याद हो जाएगा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और 5 वर्ष से पूर्व यानी पहले भंग करने का अधिकार किसको है। तो आपको पता है कि लोकसभा एक निम्न सदन है और अस्थायी सदन भी है, इसे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करे कि लोकसभा को भंग करें तो उसे 5 वर्ष से पूर्व भंग किया जा सकता है। ये अधिकार है राष्ट्रपति को, वो प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। यानी कि अपने स्वतंत्रता के अधिकारों को की रक्षा के लिए या उनको सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति कहाँ शिकायत कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में नागरिक अपनी शिकायत जमा करवा सकता है। यदि उच्च न्यायालय में न करवाए तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील करने का अधिकार भी प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि महाभियोग प्राप्त करने का, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी इसे पहले प्रारंभ कर सकता है। यानी कि महाभियोग वह प्रक्रिया है जिससे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ये महाभियोग यदि इसका आचरण सही नहीं हो राष्ट्रपति और न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसकी सिफारिश इसे लगाने के लिए संसद के कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। ये अधिकार संसद को दिया गया है। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसे उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है। यानी कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने दे दी है तो उसे क्षमा करने का यानी कि उसे अपराध मुक्त करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो राष्ट्रपति उसे अपराध मुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति होती है जिससे वह उसे क्षमा कर सकता है या फिर उसकी गलती को माफ कर सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि लोकसभा को आपको पता है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति भंग कर सकता है।
और अब तक ये यानी कि वर्तमान समय तक लोकसभा को कितनी बार समय से पूर्व भंग किया जा चुका है, तो 9 बार अभी तक में 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है कि 9 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है, तो मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सारी का उपयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान से देखें तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली होती है, परंतु व्यवहार में इनका उपयोग मंत्रिमंडल करता है, इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिमंडल को कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है, यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा, तो अनुच्छेद 74 यानी कि 74 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि देश में एक प्रधानमंत्री होगा। ये संविधान का 74 ये अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि देश में उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी आयु निर्धारित की गई है, तो 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स का होना चाहिए, उसकी न्यूनतम कम से कम इतनी एज होनी चाहिए, तब उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हो सकता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।